भाजपा सरकार वर्तमान के साथ ही भविष्य की चुनौतियों को देखते हुए भी निरंतर काम कर रही है। चाहे हर गरीब को पक्का घर देना हो, हर गांव को तेज इंटरनेट की सुविधा देनी हो, हर गांव को पक्की सड़कों से जोड़ना हो, हाईवे एक्सप्रेसवे बनाने हो, गांव के पास ही अच्छे भंडार, आधुनिक कोल्ड स्टोरेज, कृषि आधारित उद्योग लगाने हो, इसके लिए हमारी सरकार ने बड़ी बड़ी योजनाएं बनाई हैं। 44,000 करोड़ रुपए से अधिक केन बेतवा लिंक परियोजना इसी का एक उदाहरण है। ये जो गोर परिवारवादी बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं, वो इन्हीं योजनाओं के भरोसे उनको बोलना पड़ रहा है। लेकिन भाइयों और बहनों, केंद्र की योजनाओं का लाभ उत्तर प्रदेश को तभी मिल सकता है जब यहां बेहतर तालमेल वाली सरकार हो। गरीबों को घर देने में यूपी अव्वल राज्यों में रहा, क्योंकि यहां डबल इंजन सरकार है। गरीब बहनों को मुफ्त गैस कनेक्शन तेजी से मिले, क्योंकि यहां डबल इंजन सरकार है। लाखों किसान परिवारों को पीएम किसान सम्मान निधि मिला, क्योंकि यहां डबल इंजन की सरकार है। आयुष्मान भारत योजना के तहत लाखों मरीजों को मुफ्त इलाज मिला, क्यों? क्योंकि यहां डबल इंजन की सरकार है। दशकों पुरानी सिंचाई परियोजना पूरी हुई, हर घर जल योजना पर काम हुआ, क्यों? क्योंकि यहां पर डबल इंजन की सरकार है। साथियों, ये डबल इंजन की सरकार ही है जिसके कारण 100 साल के सबसे बड़े संकट का, कोरोना महामारी का, यूपी ने डटकर मुकाबला किया। ऐसा संकट अगर उनके जमाने में आया होता, 2017 से पहले आया होता, तो उत्तर प्रदेश को बहुत बड़ी समस्या हो जाती। इनका काम तब भी बोलता था कि यूपी के लोगों के विरोधी है, इनका काम अब भी यही बोलता है। इन्होंने मेड इन इंडिया टीकों को भाजपा का टीका बताकर गरीबों के जीवन से बहुत बड़ा खिलवाड़ करने की कोशिश की। हमारी सरकार पूरी शक्ति से जुटी है कि यूपी के एक एक गरीब को कोरोना की वैक्सीन लग जाए, लेकिन इन लोगों ने इस अभियान में भी बाधा डालने की कोशिश की।